जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से या फिर लोन ऐप के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और आप उसको टाइमली पे करते हैं, प्रॉब्लम आने लगती है, फाइनेंशियल वीकनेस आने लगती है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि यार मैं अब ईएमआई कैसे पे करूँगा, आप फिर भी पे करते हैं, लेकिन जब सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तो आपकी जो ईएमआई है वो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाती है। जब आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाती है उसके बाद में आपका जो रिकॉर्ड है बैंक के सामने ख़राब होना शुरू हो जाता है। मानो आपने कंटिन्यू दो ईएमआई दे दी, फिर एक डिफ़ॉल्ट कर दी, फिर आप कंटिन्यू हो गए, फिर डिफ़ॉल्ट हो गई, तो उससे क्या होता है आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से, किसी लोन ऐप के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और आप उसको नहीं चाहते कि वो डिफ़ॉल्ट हो, आप नहीं चाहते आपके सिविल पर इंपैक्ट ना पड़े, आप चाहते हैं बैंक एनबीएफसी आपको समय दे दे, तो देखो आपको क्या करना है। जब भी आपको लगे आपका जो स्थिति है वो अब खराब हो रही है, आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने से आपको लगता है कि दो महीने बाद दिक्कत आ जाएगी, तो ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने से दो तीन महीने पहले आप बैंक को अपडेट करें। उसमें क्या होगा, हो सकता है बैंक आपको 6 महीने का समय दे दे, हो सकता है बैंक आपको 1 साल का समय दे दे, हो सकता है बैंक आपको 2 साल का समय दे दे, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं एक केस बताना चाहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर हैं रवि कुमार, रवि ने एक बैंक के माध्यम से लोन लिया था 3.5 लाख रुपए के आसपास का, वो कंटिन्यू पेमेंट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जब उसको लगा कि भाई अब मैं आगे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिक्कत आ सकती है, मुझे परेशानी आ सकती है, तो उसने इमीडिएट बेसिस पर हमसे संपर्क किया, हमने उसको गाइड किया कि भैया तू एक काम कर, लोन अकाउंट को एनपीए होने से पहले बैंक को सूचित कर बाय लेटर, मतलब लिखित में बात कर और बता अपनी प्रॉब्लम विद एविडेंस। उस व्यक्ति ने यही किया, व्यक्ति को तो सिर्फ प्रॉब्लम 3 महीने के लिए थी और हमने उससे कहा था कि तू 6 महीने का समय मांग, बैंक ने उसको 6 महीने का समय दे दिया और उसके लोन अकाउंट को पूरी तरीके से कहा कि एनपी होने के बाद भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पेमेंट कर देना, और ना ही उसके पास में कोई रिकवरी कॉल आती है और ना ही उसे परेशान किया जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैंक को उस पर ट्रस्ट था, उसका रिकॉर्ड एकदम बेटर बेस्ट था, बैंक जानता था कि यार एक ये ट्रस्टेबल बंदा है और कंटिन्यू ईएमआई पे करता है। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति क्या करते हैं, लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद जब उनका केस जो है रिकवरी एजेंट्स के पास में प्रॉपर तरह से चला जाता है, तब जाकर के बैंक से संपर्क करते हैं। उसमें क्या होता है, बैंक को ऐसा महसूस होता है, चाहे वो एनबीएफसी हो बैंक हो, यार ये बंदा वाकई में डिफॉल्टर है, जब इसको दिक्कत थी, परेशानी थी, इसने तब हमें क्यों नहीं बताया, अब ये बता रहा है। तो कुछ बैंक ऐसा समझते हैं। अगर आप अपने लोन अकाउंट को एनपीए होने से पहले ही बचा लें तो ज्यादा बेटर होगा, आप डिफॉल्ट ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, उससे आपके सिविल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है आप आगे डिफॉल्ट कर सकते हैं तो पहले ही बैंक एनबीएफसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी तो कोई बैंक एनबीएफसी अच्छे तरीके से आपको मदद कर पाएगा। अगर आप अपनी समस्या लिखने में पूरी तरीके से विफल हैं, आप नहीं बता सकते, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो देखो आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के लिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करके रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको थोड़े चार्जेस तो लगते हैं, लेकिन आपको बता देंगे आपको किस तरीके से टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, और अगर लगेगा हमें आपके केस में एडवोकेट की आवश्यकता है तो हम आपको टेलीफोनिकली एडवोकेट भी प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमारे पैनल पर कई मल्टीपल एडवोकेट जो है वो अवेलेबल है। हालांकि हमारा चैनल खुद कोई एडवोकेट प्रोवाइड नहीं कराता है, मतलब वीडियोस के माध्यम से, बट टेलीफोनिकली अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे तो आपको एडवोकेट हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। हम खुद कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, हम आपको बता दें क्लियरली, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो फैसिलिटी है एकदम आपके लिए परफेक्ट हो सकती है, आपके लिए बेस्ट हो सकती है, हो सकता है हम आपके एरिया में एडवोकेट प्रोवाइड करा दें। तो अपनी प्रॉब्लम हमें बताइए और हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लीजिए, चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमम है। दो टाइप के चार्जेस हैं यहाँ पर, देखिए अगर आप हमसे सामान्य जानकारी लेंगे उसके लिए आपको मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है एडवोकेट से आपको बात करनी है, एडवोकेट से आपको सलाह चाहिए, तो उसके लिए आपको अधिक चार्जेस पे करना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है वो क्या एडवोकेट चार्ज लेगा, क्योंकि हम खुद एडवोकेट नहीं है तो हम थर्ड पार्टी एडवोकेट से जुड़े हुए हैं, इसलिए वही एडवोकेट अपने चार्जेस जो है वो बता सकता है आपके लिए। तो इस बात का आपको अच्छे से
ध्यान रखना है और अपॉइंटमेंट जरूर लेना है बेटर बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। एक कॉमेंट और मुझे आया था जिसमें व्यक्ति लिखता था, सर मेरा लोन अकाउंट जो है वो एनपीए हो गया और एनपीए होने के बाद क्या बैंक मुझे 2 साल का समय दे सकता है। अब देखो एनपीए होने के बाद ये बैंक के विवेक पर निर्भर करता है आपको 2 साल का समय देगा या नहीं देगा। वैसे तो अगर आपका सिक्योर लोन है तो डेफिनेटली आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिक्योर लोन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो उसमें आपको बैंक टाइम दे सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा है बैंक सिर्फ 6 से 7 महीने का ही टाइम देते हैं लोगों को, 2 साल तक का या 1 साल तक का तो मैंने नहीं देखा है। तो एनपीए होने से पहले ही आप अपने लोन अकाउंट को बचाने का प्रयास करें, लोन को आप डिफॉल्ट ना करें, पैसा हो तो पैसा देकर अपना पीछा छुटाएं और नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, आप टेंशन फ्री रहें, आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। और ये जो मैंने जानकारी दी आपको ये अनसिक्योर लोन के बारे में जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को आप लाइक करके जाएं, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें।